नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अरुण देव सिंह का यहाँ पे एक सवाल है सर कि गवर्नमेंट स्कीम्स की तैयारी कैसे करें। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए सबसे अच्छा सोर्स बताया जाता है आपका पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कीम्स कवर हो जाती है। हालांकि करंट अफेयर्स में भी गवर्नमेंट स्कीम्स कवर होती हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट स्कीम्स की एक अलग से पीडीएफ निकालते हैं जिसमें 200-300 गवर्नमेंट स्कीम्स का कंपाइलेशन होता है। आपसे बोला जाए कि आप रट लो, सब कुछ आपको आ जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आप इतना बड़ा जत्था गवर्नमेंट स्कीम्स का याद रखो? प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत हद तक कंटेक्चुअल है। किसी एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में वो गवर्नमेंट स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अभी कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है। अभी कोरोना के पैंडेमिक में पिछले कई दिनों से एक चीज़ न्यूज़ में आ रही कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अनाथ हो गए, ऑर्फन हो गए। तो उन ऑर्फन्स की इलीगल अडॉप्शन का भी धंधा चल रहा था। अभी इन्हीं ऑर्फन्स के लिए सरकार ने एक स्कीम लागू की जिसको बोला कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। अभी इसका पीआईबी में भी कवरेज हुआ था। अब पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को आज ही मैंने आपको डेली द हिंदू एडिटोरियल में भी पढ़ाया है, अगर आपने ढंग से मेरा एडिटोरियल सुना हो तो। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इज़ बेसिकली अ गवर्नमेंट स्कीम। तो जब आप डेली के बेसिस पे एडिटोरियल्स देखते हो, आज जब मैं आपको एनालिसिस भी दूंगा एडिटोरियल का रिटर्न, डेली न्यूज़ भी दूंगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताता हूँ। तो आपसे ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उस स्कीम के बारे में एक दो लाइन लिख लो। मेरी पीडीएफ में भी मैं कोशिश करूँगा कि एक दो लाइन ऐसी डाल के रखूँ। सिमिलरली, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये भी एक पर्टिकुलर स्कीम है। तो ऐसी बहुत सी स्कीम्स डेली करंट अफेयर्स के बेसिस पे आपके सामने आती रहती हैं। आपका काम ये बनता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके इन कंटेक्चुअल स्कीम्स को रिवाइज कर लो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी स्कीम्स को पढ़ो, क्योंकि देखिए, मान लीजिए आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पीडीएफ भी ले रहे थे, उसमें सारी गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी दी गई है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है दी गई है तो, बट आप वहाँ पे कंटेक्चुअली रिलेट नहीं कर पाओगे। कुछ लोग हो सकता है कंटेक्स्ट दे दिए हो, बट बेटर यही रहेगा कि आप गवर्नमेंट स्कीम्स को तभी पढ़ो जब आप करंट अफेयर्स की न्यूज़ पढ़ रहे हो। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए अलग से कोई जत्था या अलग से कोई सोर्स पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। डेली के करंट अफेयर्स से ही जो कंटेक्चुअल और रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं उनके बारे में आप जान के रखो। किसी भी एक पर्टिकुलर साल के पेपर में मैक्सिमम 40 से 50 स्कीम्स काम की होंगी जो कि उस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही होंगी, और उन्हीं स्कीमों से सवाल बनने वाला है। उन्हीं स्कीमों को आप अपने आंसर्स में भी कोट कर सकते हो। प्लस जो बजट के समय पे स्कीम अनाउंस की जाती हैं वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो फरवरी मार्च, अभी फरवरी में बजट आया, तो फरवरी मार्च अप्रैल के समय पे जो मैंने एडिटोरियल करंट बताए हैं ना, उसमें बहुत सी स्कीम्स मैंने डेवलप की, मतलब आपके साथ डिस्कस की, आगे भी डिस्कस होंगी। तो ये स्कीम्स देखिए, जिस साल के बजट में जो स्कीम रिलीज़ हुई है, धीरे धीरे करके जब वो इंप्लीमेंट होना शुरू होगी उसकी न्यूज़ ऑटोमेटिकली आती रहेगी। तो आगे आने वाले डेली करंट अफेयर्स एडिटोरियल्स में भी ऐसी बहुत सी न्यूज़ डिस्कस होंगी। आप इन्हीं बहुत सी स्कीम्स डिस्कस होंगी, आप इन्हीं स्कीम्स को रिवाइज़ करते रहो, इन्हीं स्कीम्स के छोटे छोटे नोट्स बना लो, इतना ही इनफ है। अलग से आपको कोई जत्था गवर्नमेंट स्कीम का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए आप बात को?